যে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষা বিভাগে আপনার জানিলে ओडिशा विधानसभा में आज जमकर बवाल हुआ। विपक्ष के कुछ विधायकों ने सदन की मर्यादा को ताक पर रखते हुए विधानसभा स्पीकर की कुर्सी पर जाकर ही हंगामा किया। विधायकों ने अपना आक्रोश जताते हुए नारेबाजी की और फिर क्या था, खूब बवाल कटा। दंड दौले मु अनुरोध करवर शिक्षा मंत्री को दंड मुक्त अंचल घोषणा। बता दें ये वीडियो उड़ीसा विधानसभा सत्र की कार्रवाई के दौरान का है, जहां खूब जमकर नारेबाजी के साथ हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई के दौरान बीजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने जमकर बवाल किया। विधायक गंजम जिले में शराब त्रासदी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेडी और कांग्रेस के नेता सदन के बीचों बीच आकर हंगामा शुरू कर दिया। जेहेतु ये गोटे हॉस्टल विषय विधायक जहाँ भी कहते ये विषय गैलरी रे अधिकारी माने बस छंती मो तांको निर्देश। विधानसभा में विधायकों ने अपना आक्रोश जताते हुए जमकर नारेबाजी की और फिर क्या था, हंगामा शुरू हो गया। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे विधानसभा सदन के आसन पर बैठी महिला स्पीकर सुरमा पाढ़ी विधायकों के इस हंगामे के कारण खुद असहज महसूस करती नजर आ रही हैं। विधायक जो कथा कही चंती कि स्कूल मानकरे दंड मुक्त एरिया जो घोषणा आई छे ताकि उच्छेद। आपको बता दें ओडिशा में फिलहाल जहरीली शराब का मुद्दा खूब सुर्खियों में है। बीते कुछ दिनों में कुछ मामले में शराब पीने से मौतें हुई हैं, जिससे पूरे राज्य में सनसनी फैली हुई है, जिसके बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर दिख रही है। विधानसभा में भी इसी को लेकर हंगामा हुआ। गौरतलब है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरमा पाढ़ी गुरुवार यानी 20 जून 2024 को ओडिशा विधानसभा की स्पीकर निर्विरोध चुनी गई। वो ओडिशा की दूसरी महिला स्पीकर हैं। इससे पहले सितंबर 2023 में बीजेडी की वरिष्ठ नेता प्रमिला मलिक ने ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। किंतु शिक्षा विभाग रे मु आपन को जनिया जरिया रे शिक्षा विभाग को अनुरोध करूची दियो आको आईन आसितला सब विद्यालय रे दंड मुक्त अंचल हबा एवं दंड मुक्त अंचल हबा द्वारा जे जेतु आगे शिक्षक माने पिला मानु को विभिन्न प्रकार दंड दउथले मु अनुरोध करूची आपन को जनिया।